अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपने फर्स्ट सिटिंग में संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 22 फरवरी 2020 को एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कड़े के मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा आलस्य, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ऑब्जेक्टिव नंबर दो, कड़ाई की वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 4। ऑब्जेक्टिव नंबर तीन, कड़ाई की अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, विद्यापति। अगला ऑब्जेक्टिव, कड़ाई की ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 24। यानी आपका कोई भी सेट हो, हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप अपने सेट का मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन सबका सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो अपने क्वेश्चन में खोजिए आपके कितने नंबर क्वेश्चन में है और मिलान करते चलिए। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर पाँच, कड़ाई की शंकर चरित के रचनाकार कौन है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्षमा रॉ। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर छः, कड़ाई की ओलिखत किस लकार का रूप है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी, आंसर होगा लंग। ऑब्जेक्टिव नंबर सात, कड़ाई की पचेत किस धातु का रूप है। तो पचेत जो है पच धातु का रूप है, तो ऑप्शन ए में जो बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव नंबर आठ, कौड़ाई की अकुर्वन में कौन सी धातु है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा क्री। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कौड़ाई की मतिसु में कौन सी विभक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा सप्तमी। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौड़ाई की भवतो किस शब्द का रूप है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा भ्री। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 का हो गया आपको ए। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है कौड़ाई की गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा विवाह। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, कौड़ाई की नीति श्लोका पाठ महाभारत की किस पर्व से संकलित है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा उद्योग पर्व। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, साथ ही अपने 5 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, कड़ाई के महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा मंत्री विदुर जो थे समुचित उत्तर देते थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, कड़ाई की अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की पंक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, नीति श्लोका। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, कड़ाई की परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा विद्या। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, कौड़ा की गृहात बही उद्यानम अस्ति यह रेखांकित पद कौन सी व्यक्ति में प्रयुक्त है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको हो गया बी, आंसर हो गया पंचमी। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, कौड़ा की अलम मत करो के अर्थ में कौन सी व्यक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा 17 का सही ऑप्शन आपको हो गया आपको सी, षष्ठी विभक्ति है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम 18 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 है, कौर है कि किस शब्द में परी उपसर्ग है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा परिहार। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, कौर है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा प्रति जो आशा, ये प्रत्याशा हो गया, तो इसलिए प्रति जो है उपसर्ग है। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 20, कौड़ाई की भ्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा 20 का वो होगा ए, आंसर होगा भव। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, कौड़ाई की मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मन जोर रथ। ऑब्जेक्टिव नंबर 22, कौड़ाई की महेश की संधि क्या होगी। महेश की संधि होगी महाजोर इस की संधि होगी। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा महेश। ऑब्जेक्टिव नंबर 23, कड़ाई की ओज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 24, कड़ाई की भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा गुण संधि। ऑब्जेक्टिव नंबर
25, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 25 है, तो 25 का देखिए कह रहे कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा बहुव्रीहि। ऑब्जेक्टिव नंबर 26 कह रहा है कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक एकम। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिए जा रहे हैं बिल्कुल ट्रू आंसर दिए जा रहे हैं, ये संस्कृत के बड़े आचार्य के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है, फिर भी कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। करें कि तत्पुरुष समास का कौन उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा यथाशक्ति। ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कह रहे हैं कि चराचरम में कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा द्वंद। ऑब्जेक्टिव नंबर 29 कह रहा है कि दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा माता रमेशाय भोजनम यच्छति। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि सब पद के योग में कौन सी व्यक्ति लगती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा तृतीया। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 31 है कह रहे कि मित्र जो तल का निष्पक्ष रूप है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मित्र, सॉरी इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा मैत्री। ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहे कि त्रय, तो यहाँ पर देखिए इनका मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, मृगा चरंती, आप लोगों के हिसाब से क्या होगा इस पर थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कह रहा है कि सुरुज और तुमिन का निष्पक्ष रूप क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा स्रोतुम। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 कह रहा है कि वृद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वह होगा ऑप्शन ए, वृद जोर कत ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 35 कह रहा है कि शताब्दी कैसा समास है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा होगा बी, आंसर होगा द्विगो। तो यह जो है चैनल संस्थान का, इसलिए इस पर जो भी आंसर दिए जाएंगे बिल्कुल ट्रू आंसर दिए जाएंगे, एक दो आंसर गलत हो सकते हैं वो अलग बात है। ऑब्जेक्टिव नंबर 36 कह रहा है करवीर कौन था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा राम प्रवेश राम। ऑब्जेक्टिव नंबर 37 कह रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा उद्योगी पुरुष। ऑब्जेक्टिव नंबर 38 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा हितोपदेश। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मूल शंकर। ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, आंसर होगा संस्कृत। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, संस्कृत। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कह रहा है कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा लता भी। ऑब्जेक्टिव नंबर 42 कह रहा है कि वच जोर कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा वक्तवा। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा अनियर। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कह रहा है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको बी, आंसर होगा मतुप। ऑब्जेक्टिव नंबर 45 कह रहा है कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा होगा ए, आंसर होगा एक। ऑब्जेक्टिव नंबर 46 कह रहा है कि सत का मुख किससे ढका है, तो हिरणमय पात्र से ढका है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 47 कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ऑब्जेक्टिव नंबर 48 कह रहा है कि किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑब्जेक्टिव नंबर 49 कह रहा है कि सिख के दसवें गुरु कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑब्जेक्टिव नंबर 50 कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा बिहार राज्य। ऑब्जेक्टिव नंबर 51 कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा भारत। ऑब्जेक्टिव नंबर 52 कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा ईश्वर। ऑब्जेक्टिव नंबर 53 कह रहा है कि शेषव संस्कार कितने होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा छः, शेषव संस्कार छः प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 54 कह रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। ऑब्जेक्टिव नंबर
55 कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है, तो ऑप्शन ए हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 56 कह रहा है कि सत का मुख किससे ढका हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये भी, हिरणमय पात्र से। सॉरी ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।